आ गया। तो इसका अभी होगा रिव्यू, यही पे दिखाओ। तो ये है इंकजेट प्रिंटर E447, ये कैनन का था। तो एक्चुअली मेरा लेने के पीछे रीजन क्या था, अभी रिसेंटली मुझे कुछ ऑफिशियल पर्सनल कुछ ऑफिशियल काम होगा, जैसे कुछ कहीं पे डॉक्यूमेंट भेजना है अपनी, कोई आई कार्ड वगैरह, तो मैंने मुझे ना बार बार प्रिंट आउट कराने जाना पड़ रहा था, इवन बहुत जगह पे सेल अटेस्टेड करके स्कैन लेके भेजना पड़ रहा था। तो मैं सोचा बार बार दूसरे लोगों को मेल करके प्रिंट करना मुझे थोड़ा सही लग रहा था, एक दो बार कर चुका था। तो दिस टाइम मैंने सोचा कि कुछ ऐसे दो तीन काम है ऑलरेडी जो मुझे भेजना है, तो मैंने थोड़ा नेट पे एक्सप्लोर किया, बहुत सारे वीडियो देखे। तो बेसिकली दो तीन टाइप के हैं, इंक जेट, इंक टैंक और लेजर जेट, बट सबसे बेस्ट तो लेजर जेट, लेकिन बहुत बड़ा होता है वो, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है और मेरा उतना पर्पस नहीं है। बस इसका मेन फायदा जो मुझे लगा, चीप है, रिव्यू अच्छा है, हल्का है, पोर्टेबल है। और एक जो इसका डिसएडवांटेज है कोई भी इंक जेट का, जिसमें पर पेज के अगर आप कैलकुलेट करो आपका जो इंक होगा उसकी जो कॉस्ट है, तो पर पेज की जो आपकी जो कॉस्ट होगा बहुत ज्यादा होगा इन कंपेयर टू नॉर्मल लेजर जेट का। बट मुझे कोई इशू नहीं है क्योंकि मेरा तो महीने में हार्डली, महीने में भी नहीं देखा जाएगा, हर 6 महीने में मुझे जरूरत पड़ रहा है या 3 महीने में जरूरत पड़ रहा है, तो इसके लिए मैंने ले लिया इसको, तो मेरा पर्पस से सॉल्व हो जाएगा। तो अभी मैं इसको ओपन करूँगा, अभी थोड़ा मैं नेट पे एक्सप्लोर करूँगा कैसे इसको एफएम इंटीग्रेट करना होता है विद लैपटॉप। ये शायद वाईफाई सपोर्ट भी है, तो मेरे पास अगर केबल ना भी हो देन स्टिल आई कैन प्रिंट माय डॉक्यूमेंट्स, मुझे स्कैन भी करना है। तो आज ऑलरेडी रात हो चुका है, तो मैं अभी स्कैन करूंगा, प्रिंट करूंगा। मेरे पास पुराने कुछ नॉर्मल पेपर से A4, मतलब वाइट नहीं है, मतलब दूसरे, तो उससे टेस्ट कर लूंगा, जब समझ में आ जाए तो उससे पता चल जाएगा कुछ अगर मतलब कुछ चीज़ें चाहिए होगा, इंक वगैरह मैंने उसमें देखा नहीं था, तो वो कल लेके आऊँगा। एल्स मैं कल पूरा वो कूपर का A4 का पेज लेके फिर अपना जो भी काम है वो कम्प्लीट कर लूँगा कल अर्ली मॉर्निंग में। तो ओपन करें, सर ऑप्शन थे, मैं एक्चुअली मैंने ये अमेजोन से ही लिया है। मेजरली मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया था लेने का, पहले तो एक चीज़ आपको बोल दिया कि मुझे ज़्यादा खर्चा नहीं करना था, पोर्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट जो मेरा फिल्टर था वो था कि कौन सा 2 दिन के अंदर डिलीवर कर देगा, क्योंकि आपको मुझे तो अभी अच्छे ऑप्शन मिले थे, अच्छा नहीं आई कैन से इक्वल या थोड़ा दिखने में अच्छा अट्रैक्टिव, इवन मुझे लेजर जेट में भी इसे थोड़ा ज़्यादा देखे अच्छा पोर्टेबल काइंड ऑफ मुझे लग रहा था, बट वो और 10 दिन लगेंगे डिलीवर करने में, तो तब तक मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा, तो इसके लिए मेरा सेकंड था वो। तो एंड में जाके 2 ऑप्शन था, एक था HP का आई थिंक 3-3 समथिंग कुछ था एक ऑप्शन, और दूसरा था कैनन का, तो दोनों का मुझे इक्विवेलेंट लगा कि HP का भी जो पर्पस है इसका भी जो पर्पस है रिव्यू लगभग इक्विवेलेंट लगा। देन मैंने लास्ट में जाके देखा कि HP का सोर्स है चाइना और कैनन का सोर्स है जापान, तो फिर मैंने डिसाइड किया ठीक है चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अभी थोड़ा स्टडी करना है कैसे इसको यूज़ करनी है कैसे नहीं है, तो पहले एक बार कर लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा चीज़ क्या है, कैसे मैंने इंटीग्रेट किया सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। ये दिखा दूँ, ये साथ में आया है, ये पावर कॉर्ड है, ये केबल है टू मतलब कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, और ये इंक कलर एंड ब्लैक। चलिए आगे देखते हैं।
क्यूआर कोड लगा देता हूँ। अब ऑन कर रहा हूँ। तो ये ब्लिंक कर रहा है कि इसमें अभी इंक नहीं है, तो मुझे इंक डालनी है। ठीक है, तो इंक डालने की जगह ये है। तो यहाँ पे आपको अगर दिखेगा ये दो प्लेस है ब्लैक एंड कलर का, अब ये डालना है हमें कलर, और ये ब्लैक वाला इंक है। तो ये अभी हमें यहाँ पे इस तरह प्लेस करना है, इस तरह। ठीक है, इस स्टेट में हमें जाना है। तो पहले कलर खोल लेते हैं। ठीक है, ये कलर हो गया। फिर है इसके अंदर ये है, तो ये उठाना है। यहाँ पे हाथ नहीं देना, तो वो ये चीज़ मार्क कर रहा है, यहाँ पे हाथ नहीं देनी है। ये पोजीशन ये सामने रहेगा और ये पीछे जाएगा, तो ऐसे मुझे अंदर करना है और ऐसे मुझे प्रेस करके अंदर कर देना है। अब मैं इसके अंदर रखूँगा, ये कलर के लिए, ये ब्लैक के लिए। तो यहाँ पे ही मार्क है कि ये लेफ्ट वन है फॉर कलर, राइट वन है ब्लैक। ऐसे करके नीचे से पहले ऐसे ही रहेगा, फिर अपने थंब से आपने इसको पुश किया, फिर ऊपर भी पुश कर दिया, तो नीचे से ऊपर। Okay. मैं एक दूसरा दिखा रहा हूँ। ये जो होता है ना, इसके इंक के प्रोटेक्शन के लिए होता है कि ये सूख ना जाए। तो ये हमने खोल लिया। अब अगेन पिछली बार की तरह पहले ऐसे किया। ठीक है, थंब से हमने अभी इसको ऊपर पुश कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको बंद कर देंगे, ये हो गया इसका। फिर से हम पावर ऑन कर रहे हैं। तो इस बार हमें चेक करना है कि इसमें कुछ ये अलार्म साइन तो नहीं है, ये इस बार चेक करना है। ठीक है, ये स्टेबल हो गया, तो कोई अलार्म साइन नहीं है, मतलब इंक सेटअप डन है। अभी हम इसमें पेपर लगाएंगे। तो पेपर के लिए ये है, और इसको मुझे ये रखना होगा, और मैं इसमें कुछ अभी पेपर डाल दूंगा टेस्टिंग के लिए। अब मेरे पास कुछ पुराने A4 शीट हैं, अब मैं उसके साथ इसकी टेस्टिंग करूंगा। करने के बाद ये जो बटन है ना, इसको थोड़ा इसमें टाइट कर देना, ज़्यादा नहीं, मूव हो पाए, ये इम्पोर्टेंट है ताकि हिल ना जाए। ये मैंने कर दिया, ये डन। नेक्स्ट, प्रिंट आउट के लिए मुझे ये ट्रे को बाहर करना है। तो ये यहाँ पे मेरे पेजेस रहेंगे प्रिंट आउट होने के बाद। तो इसको अभी हम 1 मिनट के लिए प्रेस करेंगे, वेट करेंगे जब तक ये ब्लू लाइट स्टेबल नहीं हो जाती है। तो इट टेक्स अराउंड 1 मिनट स्टेबल होने के लिए। सो अभी हम वायरलेस कनेक्ट करेंगे। तो अभी मैं मैनुअली चेक कर रहा था, तो हमें अभी पहले ये वायरलेस बटन को क्लिक करनी होगी अनटिल ब्लू लाइट फ्लैश। तो अभी हम सेम चीज़ करेंगे यहाँ पे। फिर हम कलर बटन को 2 बार प्रेस करेंगे। ये करने का हो गया, मेक श्योर वायरलेस लैंप फ्लैशेस। हाँ, फ्लैश हो रहा है अभी। ठीक, सो अभी वाईफाई कनेक्शन अभी इस मोड में है सेटअप में। तो अभी हम इसको नेक्स्ट करेंगे। टर्न ऑन है अपना। अभी प्रिंटर सर्च कर रहा है नेटवर्क में, तो इसने अभी ढूंढ निकाला। ठीक है, तो गाइस मैंने नेक्स्ट बटन प्रेस किया था उसके बाद, तो उसके बाद ये एक्सेस मांग रहा है टू एक्सेस माय होम नेटवर्क। ठीक है, तो मैं अलाउ कर रहा हूँ। ये प्रिंटर 5G सपोर्ट नहीं करता, 4G है। तो मेरे घर में 2 वाईफाई कनेक्शन है, मतलब सबके पास 2 ही मोड होते हैं, 4G और 5G। इसने यहाँ पे 4G वाला डिटेक्ट किया। अभी पासवर्ड देना है। अब मैं नेक्स्ट करूँगा। तो अभी ये सेटअप हो गया। अभी नेक्स्ट, ड्राइवर ये डाउनलोड करेगा। तो अभी अगर यहाँ पे आप देखो, इसी टाइम जब इधर ये सेटअप हो गया, तो देखो ये भी वाईफाई ये स्टेबल हो गया, ये ग्रीन लाइट हो गया,
तो एक्चुअली मैंने लैपटॉप से इसकी नेटवर्क सेटअप किया मैंने। सेटअप होने के बाद अपने आप ऐड प्रिंटर का ऑप्शन आ जाएगा, तो जिसपे आप अपने यहाँ पे प्रिंटर को ऑप्शन में डाल सकते हो। अभी लैपटॉप से या कोई भी डिवाइस से मुझे प्रिंटिंग ऑप्शन देने के लिए पहले मुझे इस प्रिंटर को मेरे डिवाइस लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे इसकी आईपी चाहिए। तो पहले मैं स्टॉप कर लेता हूँ, ये मैंने पावर ऑन की। सिंस ऑलरेडी नेटवर्क सेटअप हो चुका है तो पहले ये वाईफाई से कनेक्ट हो गया। एक बार वाईफाई में क्लिक करूँगा। हमें होल्ड करके रखना पड़ेगा जब तक ये फ्लैश ना करे। फ्लैश हो रहा है, देन अगेन कलर या ब्लैक, दोनों में से कोई भी। अब होपफुली ये सारी सेटिंग्स इसको प्रिंट करना चाहिए और प्रिंट कर भी रहा है। तो अगर आप देखो ये है इसके आईपी एड्रेस, तो मुझे अपने लोकल में ये वाली आईपी को मुझे, ये आपके केस में चेंज होती रहेगी, तो ये आपको आईपी चेंज करना होगा। ये आईपी यूज करके मेरे लैपटॉप से यहाँ पे एक प्रिंट देके देखूंगा। और एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत टाइम लगा प्रिंट होने में, तो ये भी एक चीज है इंक जेट का, टाइम लगता है प्रिंट होने में। तो प्रिंटिंग की स्पीड बहुत कम है, तो इंक जेट का ये एक चीज है कि इसकी स्पीड कम होता है, क्योंकि नॉर्मल होम पर्पज के लिए तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको बहुत ऑफिस पर्पज के लिए चाहिए, नॉर्मली हम लोग क्या लेते हैं जो जेट होता है, जो लेजर जेट होता है वो हम लेते हैं, लेजर प्रिंटिंग वाले। तो मैं अभी लैपटॉप से कनेक्ट करूँगा, तो अभी मैं एक सैम्पल फाइल प्रिंट करूँगा। कॉपीज करेंट प्रिंट, टडा, हो गया प्रिंट। ठीक है, चलो।